फोरकास्टिंग का ये दूसरा मेथड वेटेड एवरेज मेथड है। इस मेथड में हम किसी मंथ को ज्यादा वेट देते हैं और किसी मंथ को कम वेट देते हैं। इसके लिए भी हमारे पास जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो हमारा पास्ट हिस्टोरिकल डेटा होता है। हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हुए नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन करते हैं। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास मंथली प्रोडक्शन डेटा दिया हुआ है और हमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीनों का डेटा यूज करके अप्रैल के लिए प्रोडिक्शन करनी है। तो मूविंग एवरेज मेथड में हम क्या करते थे कि सिंपली हम जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की प्रोडक्शन की यूनिट्स को प्लस करते थे और डिवाइडेड बाय थ्री कर देते थे। वेटेड एवरेज मेथड में चेंज ये है कि हम जो अप्रैल के लिए प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो अप्रैल की सेल्स पर या अप्रैल की प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा उसके प्रीवियस मंथ का। अप्रैल का प्रीवियस मंथ है मार्च, तो मार्च का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आना है अप्रैल पर, तो हम मार्च को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। हम थ्री मंथ्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, थ्री मंथ्स के डेटा को यूज करके फोर्थ मंथ की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हम मार्च जो कि सबसे नियरेस्ट मंथ है अप्रैल से, हम उसको वेट देंगे थ्री। इससे प्रीवियस मंथ पर जाएंगे फरवरी, फरवरी एक महीना पीछे चला गया तो अब इसका वेटेज भी एक कम हो जाएगा। मार्च को हमने थ्री वेट दिया था, हम फरवरी को टू वेटेज देंगे। और जनवरी सबसे ओल्डेस्ट मंथ है इस करंट सिनेरियो में, तो हमारे पास जनवरी का जो वेटेज दिया जाएगा वो वन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी का डेटा हम एक मरतबा काउंट करेंगे, फरवरी का डेटा हम दो मरतबा काउंट करेंगे और मार्च का डेटा तीन मरतबा काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम लिंक क्रिएट करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के हिस्टोरिकल डेटा का अप्रैल की प्रोडक्शन से। तो अप्रैल पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आना है मार्च का, तो हमने उसको थ्री टाइम्स काउंट किया, फिर फरवरी का उससे कम तो टू काउंट किया, फिर जनवरी का उससे कम तो उसको वन काउंट किया। इस तरह हमारा जो थ्री मंथ्स का डेटा था वो स्ट्रेच होकर सिक्स टाइम्स काउंट हो रहा है। मार्च तीन मरतबा, फरवरी दो मरतबा और जनवरी एक मरतबा, टोटल होकर सिक्स मंथ्स का डेटा बन जाता है। तो हम इन छह वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे और प्लस करके डिवाइडेड बाय सिक्स करेंगे तो इससे हमारे पास अप्रैल की प्रेडिक्शन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मई की प्रेडिक्शन करेंगे तो मई की प्रेडिक्शन के लिए सबसे रेलेवेंट मंथ हुआ प्रीवियस मंथ यानी अप्रैल, तो अप्रैल के डेटा को हम थ्री टाइम्स काउंट करेंगे, उससे प्रीवियस मंथ मार्च, मार्च को हम टू टाइम्स काउंट करेंगे और उससे प्रीवियस मंथ फरवरी उसको वन टाइम काउंट करेंगे। तो इस तरह वेट हम देंगे इसको थ्री टू एंड वन, और थ्री टू एंड वन से मल्टीप्लाई करके जो अब वैल्यूज आ रही हैं उनको हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय सिक्स करेंगे तो अब हमारे पास मई की प्रेडिक्शन आ जाएगी। सो बेसिकली फर्क क्या हुआ मूविंग एवरेज मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में? मूविंग एवरेज मेथड में हमने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों को इक्वली काउंट किया था। अगर आपका सेल्स पैटर्न बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और आपकी सेल्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं करती, तो मूविंग एवरेज भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि आपकी सेल्स पर इंक्रीज और डिक्रीज का पैटर्न आता है, आपकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि उसके कर्व बनते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो उस कंडीशन में वेटेड एवरेज मेथड आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, और उस मेथड को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ मौजूद है, आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो पर स्क्रॉल कर सकते हैं। थैंक यू।